नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी की हमारी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 3 विद्युत रसायन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके भाग प्रथम में हमने चर्चा करी थी कि गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेलों की कार्यप्रणाली क्या होती है, इलेक्ट्रोड व्यूह का मापन किस प्रकार किया जाता है तथा नष्ट समीकरण की सहायता से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार निकाला जाता है। आज भाग दो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी विलयन का चालकत्व, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता तथा कोलराउश के नियम और उनके अनुप्रयोगों के बारे में। आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम ओम के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती होता है किसके, I के। यदि हम समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो हमारे पास एक स्थिरांक आ जाता है तथा समीकरण हमारी हो जाती है V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध है, V विभवांतर है तथा I विद्युत धारा है। प्रतिरोध की परिभाषा क्या बनेगी, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते हैं, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। साथ ही साथ प्रतिरोध चालक तार की प्रकृति तथा उसके ताप पर भी निर्भर करता है, अर्थात आर समानुपाती किसके होगा, एल भाग ए के। समानुपाती का निशान हटाएंगे, एक स्थिरांक आता है, R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रो एल ए। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रो। रो क्या होता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। रो की इकाई क्या होगी, ओम इंटू मीटर। चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। चालकत्व को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा के अनुसार जी इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/r। इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स या महो, या फिर हम इसको बोलते हैं सीमेंस। सीमेंस इसकी एसआई पद्धति में इकाई है। चालकता या विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है तथा एक इसे विशेष अल्फाबेट से प्रदर्शित किया जाता है जो दिखने में हमें के समान लगता है, इसे बोला जाता है कप्पा। इसके लिए समीकरण क्या बनेगा हमारे पास, कप्पा किसके बराबर होगा, 1/रो के, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/r गुणा एल बटे ए। इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स। इसकी सरल परिभाषा और क्या हो सकती है कि 1 मिलीलीटर विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। 1 मिलीलीटर विलयन का क्या होना चाहिए, चालकत्व, उसे हम क्या बोल सकते हैं, चालकता कह सकते हैं। इसका मान पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। L बटे A को सेल स्थिरांक भी कहा जाता है। सेल स्थिरांक के लिए जी स्टार प्रतीक का उपयोग किया जाता है। सेल स्थिरांक की इकाई होती है मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक का मापन KCl के विलयन के सहायता से किया जाता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनका क्षेत्रफल नापना बहुत ही अव्यवहारिक होता है। उनका आकार बहुत छोटा होने के कारण वहां पर त्रुटि रहने की संभावना बहुत अधिक होती है, अतः सेल स्थिरांक जी स्टार किसके बराबर होगा, एल बटे ए के। हम लोग हमारे समीकरण को फिर से रीअरेंज कर सकते हैं, किस रूप में, कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/रो, या फिर क्या होता है उसके इक्वल, 1/r इंटू एल बाई ए। 1/r को हम लोग क्या कहते हैं, जी, और एल बाई ए को हम लोग क्या कहते हैं, जी स्टार। तो कप्पा क्या हो सकता है हमारे पास में, जी इंटू जी स्टार। किसी भी सेल का सेल स्थिरांक एक बार निर्धारित हो जाता है तो उसे हमें बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धातुओं से विद्युत चालन को धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है।
धातु की प्रकृति और संरचना पर, संयुक्ता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तथा तापमान पर। जब किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी रासायनिक संरचना में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के एक सिरे से प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। विलयन में उपस्थित आयनों द्वारा विद्युत का चालन आयनिक चालकता कहलाता है। आयनिक चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है: विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, आयनों के आकार और उनकी विलयता पर, विलायक की प्रकृति तथा उसकी श्यानता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर तथा तापमान पर। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ जाती है। मोलर चालकता, जिसे मोलर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है, इसे एक विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये विशेष संकेत उल्टा वी आकार का जो हमें नज़र आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं लैब्दा। एम का मतलब यहाँ है मोलर, तो पूरा नाम इसका हो गया लैब्दा एम। मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता एक विलयन में एक मोल विद्युत अपघट्य को घोलकर बनने वाले सभी आयनों की संवाहक शक्ति होती है। हमें क्या करना है कि किसी भी विद्युत अपघट्य का एक मोल लेना है, उससे वी एम एल विलयन तैयार कर लेना है। उस विलयन को ऐसे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रखा जाएगा जिनकी बीच की दूरी इकाई हो, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो, तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना बड़ा हो कि सारा विलयन उसके बीच में आ जाए। उस समय सभी आयनों की चालकता को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। मोलर चालकता निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है? लैम्डा एम किसके बराबर होगा? कप्पा भाग सी के। ये वाला फार्मूला हमें तब यूज़ करना है जब सी की हमारे पास कौन सी इकाई दी गई हो? मोल प्रति घन मीटर। यदि सी की इकाई हमारे पास में मोल प्रति लीटर दी गई हो, उस समय हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? लैम्डा एम किसके इक्वल होगा? कप्पा इंटू 1000 बाय सी। मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आयनिक विलयन की चालकता का मापन किस प्रकार हम कर सकते हैं? किसी भी आयनिक विलयन की चालकता को मापने के लिए हमें एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। सामान्यतः किसी आयनिक विलयन के प्रतिरोध को मापने के लिए हमें निम्न दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम समस्या क्या है हमारे सामने? दिष्ट धारा प्रवाहित करने से विलयन की रासायनिक संरचना बदल जाती है। तो इस समस्या का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं कि दिष्ट धारा के स्थान पर हम प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत का उपयोग करेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत उपयोग में लाएंगे उसकी आवृत्ति उच्च होनी चाहिए। दूसरी समस्या हमारे सामने क्या होती है? किसी विलयन को धातु के तार की तरह व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं जोड़ सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 प्रतिरोध होते हैं। हम किसी धातु के तार को उससे आसानी से जोड़ सकते हैं, लेकिन विलयन को जोड़ना आसान नहीं है। इसलिए हम एक चालकता सेल का उपयोग करते हैं। उस चालकता सेल में उस विद्युत अपघट्य के विलयन को भर दिया जाता है। चालकता सेल हमारे पास भिन्न भिन्न आकृति तथा आकार में उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। एक चालकता सेल में 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है तथा इनके बीच की दूरी L होती है। जब भी कोई विलयन इनमें भरा जाता है तो वह विलयन L लंबाई के इस एक स्तंभ की तरह व्यवहार करता है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है। अब विद्युत अपघट्य की चालकता को मापने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज से चालकता मापी सेल को इस प्रकार से जोड़ देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः R1, R2 तथा R3 कहते हैं। R4 प्रतिरोध के स्थान पर हम एक सेल को जोड़ देते हैं। इस सेल में वह विद्युत अपघट्य विलयन भरा होता है जिसकी चालकता हमें ज्ञात करनी होती है। R1 प्रतिरोध का मान बदल करके हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, जब धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित न हो रही हो तो।
उसे हम शून्य की स्थिति या साम्य की स्थिति कहते हैं। उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर एक हेडफोन नाम के उपकरण की व्यवस्था करके रखते हैं, जिसकी सहायता से हमें उस नल पॉइंट की पोजीशन का आसानी से पता चल सके। यहाँ गैल्वेनोमीटर काम में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर सिर्फ दिष्ट धारा के स्रोत के साथ काम करता है। एसी स्रोत होने की वजह से हमें यहाँ हेडफोन की व्यवस्था रखनी होती है। जैसे ही हमारे पास नल पॉइंट की स्थिति प्राप्त हो जाती है, नल पॉइंट की स्थिति प्राप्त होने पर हम निम्नलिखित फार्मूले की सहायता से इस सूत्र के द्वारा हम जो हमारे विलयन है उसके प्रतिरोध की गणना को कर सकते हैं। विलयन का प्रतिरोध क्या होगा, जिसे हम लोग RS से निर्देशित कर रहे हैं। RS किसके बराबर होगा, R2 into R3 divided by R1। विलयन की चालकता को इस फार्मूले की सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास में, कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट बाय आर, जी स्टार बाय आर। सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पहले से पता होती है, आर अभी हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से मालूम किया है। जब हमें कप्पा की वैल्यू पता हो जाएगी तो हम लोग आसानी से लैम्ब्डा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्ब्डा एम इक्वल्स टू क्या होता है, कप्पा बाई सी। एक ही विलायक में और दिए गए ताप पर भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों की चालकता के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि अपघट्यों में आवेश के प्रकार और आयनों के आकार में अंतर होता है। सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन। सामान्यतः सांद्रता में कमी करने से चालकता का मान हमेशा घट जाता है, क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, परंतु मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ जाता है तथा आयनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। लेकिन इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण चालकता घटती है, हमें हमेशा ये याद रखना है। इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटने पर चालकता घटती है, परंतु आयनों की संख्या बढ़ने पर मोलर चालकता बढ़ती है। जब सांद्रता शून्य के करीब पहुंचती है तो मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, तथा इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्ब्डा एम नॉट से। लैम्ब्डा एम मोलर चालकता, नॉट का मतलब क्या हो गया हमारे पास, शून्य सांद्रता। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए इसमें होने वाले बदलाव अलग अलग होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हम निम्न समीकरण की सहायता से उसकी मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। लैम्ब्डा एम किसके बराबर होगा, लैम्ब्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। सी है सांद्रता, ए है स्थिरांक, जिसका मान निर्भर करेगा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। इसे डिबाई हकल ऑनसेगर समीकरण भी कहा जाता है। तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन तनुता को अनंत कर देने पर एक समय ऐसा आता है जब आयनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना भी विद्युत अपघट्य उस विलयन में उपस्थित होता है, वह पूर्णतया 100% आयनित होकर के अपने सभी आयनों से एक दूसरे के साथ वियोजित हो जाते हैं। तनुता बढ़ाने पर सिर्फ विलयन का आयतन ही बढ़ता रहता है तथा आयनों की संख्या नहीं बढ़ पाती है। KCl जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कब प्राप्त होगी, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं किसमें, लैम्ब्डा एम और सांद्रता के बीच में। किसी दिए गए विलायक और तापमान के लिए स्थिरांक ए का मान विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात पृथक्करण पर जो हमारे पास आयन उत्पन्न होते हैं उनके आकार और आवेश पर। एसिटिक एसिड जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य में उच्च सांद्रता में पृथक्करण कम होता है, इसलिए तनुता के साथ लैम्ब्डा एम में परिवर्तन आयनों की संख्या बढ़ने से होता है। जैसे जैसे हम लोग तनुता बढ़ाएंगे आयनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती है और लैम्ब्डा एम के मान में भी बहुत अधिक अंतर आता है। इसलिए लैम्ब्डा एम को शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों में हम बहिर्वेशन विधि का उपयोग कर सकते हैं, परंतु दुर्बल के साथ नहीं कर सकते हैं। हमें इस तरह का एक ग्राफ प्राप्त होता है जो प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अलग अलग प्रकार का है। बहिर्वेशन विधि का अर्थ क्या होता है, सामान्यतः हम लोग शून्य सांद्रता
प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब सांद्रता शून्य नहीं होगी तो हम लोग सीमांत मोलर चालकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी लाइन बनी हुई है इसको हम लोग आगे तक बढ़ाते हैं। ये लाइन जहाँ पर ग्राफ के इस भाग में काटती है उसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। यह प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए संभव है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक एसिड होता है तो उसकी ग्राफ की लाइन लैम्ब्डा एम के साथ में समानांतर हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं समानांतर रेखाएं सिर्फ एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, इसलिए बहिर्वेशन विधि के द्वारा हम एसिटिक एसिड जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमने चर्चा की चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता तथा इनको प्रभावित करने वाले कारक। चालकता का मान इकाई आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि चालकत्व का मान आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है, परंतु इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण चालकता का मान कम हो जाता है। मोलर चालकता का मान बढ़ता है क्योंकि वह भी आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य तथा प्रबल विद्युत अपघट्य दोनों के लिए मोलर चालकता का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि दोनों से प्राप्त होने वाली आयनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कोलराउश के नियम के बारे में तथा उसके अनुप्रयोगों के बारे में। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउश नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, को उसके धनायन तथा ऋणायन के अलग अलग योगदान के बराबर निरूपित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता को हम उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहते हैं। इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, लैम्ब्डा एम किसके बराबर होता है, वी प्लस लैम्ब्डा प्लस नॉट प्लस वी माइनस लैम्ब्डा माइनस नॉट। यहाँ लैम्ब्डा का मतलब क्या है, सीमांत मोलर चालकता है, वी का मतलब क्या होता है, आयनों की संख्या, वी प्लस का मतलब क्या हो गया, धनायनों की संख्या, और वी माइनस का मतलब क्या हो गया, ऋणायनों की संख्या। लैम्ब्डा प्लस नॉट का मतलब क्या हो गया, धनायन की सीमांत मोलर चालकता, और लैम्ब्डा माइनस नॉट का मीनिंग हो गया ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता। कोई सामान्य विद्युत अपघट्य हमारे पास जैसे ये है AXBY, इस प्रकार से अपघटित होकर आयन देता है। अगर इसके लिए हमें कोलराउश का नियम लिखना हो, कोलराउश की समीकरण लिखनी हो, तो वह इस प्रकार से लिखी जाएगी। इससे हमें कितने धनायन प्राप्त हुए, एक्स, तो हमने यहाँ इसको x से गुणा कर दिया। y ऋणायन प्राप्त हुए थे, हमने इसे y से गुणा कर दिया है। कोलराउश समीकरण को अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्यों के लिए हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे NaCl आयनित होने पर एक Na प्लस आयन देता है तथा एक Cl माइनस आयन देता है, तो उसके लिए समीकरण इस प्रकार से लिखी जा सकती है। सोडियम सल्फेट आयनित होने पर दो सोडियम आयन देता है तथा एक सल्फेट आयन देता है, उसके लिए कोलराउश समीकरण इस प्रकार से होगी। कैल्शियम सल्फेट आयनित होने पर एक कैल्शियम आयन तथा एक सल्फेट आयन होता है, इसलिए इसके लिए कोलराउश समीकरण इस प्रकार होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड आयनित होने पर एक एल्युमिनियम आयन तथा तीन क्लोराइड आयन देता है, इसलिए इसके लिए कोलराउश समीकरण निम्न प्रकार लिखा जाएगा। कोलराउश नियम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए दिया गया था, लेकिन कोलराउश नियम की सहायता से हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता को भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता कैसे निकाली जा सकती है। एसिटिक अम्ल को सुविधा की दृष्टि से हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं, एच का मतलब हो गया अम्ल, एसी मतलब एसिटेट। सो एच ए सी का मतलब क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। आयनित होने पर ये क्या बनाएगा, एच प्लस आयन बनाएगा और एसिटेट आयन बनाएगा, इसके लिए कोलराउश समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग। अब एसिटिक अम्ल में ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसने क्या दिया है, एच प्लस आयन दिया है और एसिटेट आयन दिया है। तो हम लोग एक ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे जो एक हाइड्रोजन आयन देता हो। सुविधा के लिए हम लोगों ने HCl ले लिया है। HCl आयनित होने पर एक H प्लस आयन देता है और एक क्लोराइड आयन देता है, इसके लिए कोलराउश समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है।
अब हमें एक एसीटेट आयन की आवश्यकता है। एसीटेट आयन ऐसा कौन प्रबल विद्युत अपघटक है जो एसीटेट आयन दे सकता है? उसके लिए हम लोगों ने सोडियम एसीटेट ले लिया। सोडियम एसीटेट आयनित होने पर एक सोडियम आयन देगा और एक एसीटेट आयन देगा। इस समीकरण को हम लोग कोलराव समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारे पास दो आयन एक्स्ट्रा आ गए हैं। कौन कौन से आयन एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास? एच प्लस आयन और एसीटेट आयन तो हमें चाहिए था। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा आ गए। इन दोनों को मिलाने से लवण बनता है हमारे पास NaCl, तो हम लोग NaCl के लिए भी एक कोलराव समीकरण लिख लेते हैं। ये क्रमशः समीकरण संख्या 1, 2, 3 व 4 हमारे पास तैयार हो गई हैं। अब हम समीकरण 2 व 3 को जोड़कर और उसमें से समीकरण 4 को घटा देते हैं तो हमें ये निम्न समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण में ध्यान देने योग्य बात क्या है? देखिए, यहाँ पर क्लोराइड आयन का योग हो रहा है, यहाँ पर क्लोराइड आयन का वियोग हो रहा है। हम एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। सोडियम आयन का योग हो रहा है, सोडियम आयन का वियोग हो रहा है, एक दूसरे को हम लोग यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। हमें निम्न समीकरण प्राप्त होगी। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर क्या है? 5। अब समीकरण 1 तथा 5 को हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि दोनों समीकरणें एक समान है। तो इसकी सहायता से हम निम्न समीकरण को लिख सकते हैं। अब इस समीकरण में आप ध्यान दीजिए कि कितनी आसानी से हमने एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता को ज्ञात कर लिया है। किसकी सहायता से? प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से। एसिटिक अम्ल के लिए हमने किस किस को लिया? HCl और सोडियम एसीटेट को लिया, तथा NaCl जो अतिरिक्त आयन हमें पास आ गए थे उनको यहाँ से हमने माइनस कर दिया है। कोलराव के नियम की सहायता से हम आसानी से वियोजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से। अल्फा किसके बराबर होता है? लैम्डा एम, यानी किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता भाग में सीमांत मोलर चालकता। इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं वियोजन की मात्रा। जब हमें वियोजन की मात्रा पता चल जाती है तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है? के ए किसके बराबर होगा? अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है हमारे पास में? यहाँ पर वियोजन की मात्रा, तथा सी क्या है हमारे पास में? सांद्रता। कोलराव नियम की सहायता से अल्प विलेय लवणों की विलेयता को भी ज्ञात किया जा सकता है। कुछ लवण जैसे AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट पानी में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं। इन्हें अल्प विलेय लवण कहा जाता है। इनके लिए विलेयता कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम लोग इनकी मोलर चालकता तथा सांद्रता निकाल सकते हैं। मोलर चालकता पता होने पर हम लोग आसानी से इस सूत्र की सहायता से सांद्रता निकाल देंगे। जो सांद्रता हमारे पास आएगी वो मोल प्रति लीटर में होती है। मोल प्रति लीटर में सांद्रता को हम लोग मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम लोग और क्या सकते हैं? घुलनशीलता यानी विलेयता। मोलरता किसके बराबर होती है? लवण की विलेयता के बराबर होती है। यदि ये विलेयता हमें ग्राम प्रति लीटर में निकालनी हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? उसकी मोलरता को मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, जिससे हमारे पास लवण की विलेयता ग्राम प्रति लीटर में आ जाती है। आज हमने चर्चा की कि चालकत्व, चालकता तथा मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक तथा ये क्या होते हैं। मोलर चालकता का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से कैसे किया जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता का व्यवहार किस प्रकार होता है। कोलराव का नियम क्या होता है, जो कि सामान्यतः एक प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ही दिया गया था। कोलराव नियम की सहायता से हम लोग किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी वियोजन की मात्रा कैसे निकाली जा सकती है, उसके वियोजन स्थिरांक की गणना किस प्रकार कर सकते हैं, तथा कुछ कम विलेय लवणों की विलेयता हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये आज हमने कोलराव नियम की सहायता से सीखा है। इस पाठ के अन्य बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।